हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सॉर्टेड स्टोरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल नवरत्न कोरमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप मटर, आधा कप कटी हुई गोभी, आधा कप फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, आधा कप गाजर, आधा कप अंगूर, आधा कप पाइनएप्पल, आधा कप चेरीज, 100 ग्राम के करीब पनीर और आधा कप काजू। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच खसखस, प्याज अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट 1 कप, काजू आधा कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, घी 2 बड़े चम्मच, 2 से 3 हरी इलायची, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता 1, स्वाद अनुसार सफ़ेद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच चीनी। नवरत्न कोरमा बनाने के लिए हम पहले गर्म पानी में काजू और खसखस को भिगो देंगे। 20 मिनट के करीब भिगोने के बाद हम इसकी मिक्सी में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम सब्जियां बॉईल करेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। जब तक सब्जियां बॉईल होती है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, उसमें दालचीनी, तेज पत्ता और हरी इलायची डालेंगे। खड़े मसाले पकने के बाद हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट मिलाएंगे और इसे 5-6 मिनट तक या घी छोड़ने तक पकाएंगे। अब हम इसमें खसखस और काजू की पेस्ट मिलाएंगे। और थोड़ा सा दूध मिला के हम इसे कुछ देर तक पकाएंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक, धनिया पाउडर और सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है जो नीचे चिपक सकता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी या दूध मिला के हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। आठ दस मिनट पकाने के बाद आप चेक कर लीजिए, अगर ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी भी मिला सकते हैं। दूध या पानी ऐड करके हम ग्रेवी को बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें उबली हुई सब्जियाँ, पनीर और काजू ऐड करेंगे और 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 2-3 मिनट इसे पकाने के बाद हम इसके अंदर फ्रूट्स डालेंगे। आप इसमें फ्रेश चेरीज भी ऐड कर सकते हैं और कैंड चेरीज भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब चीनी डाल सकते हैं। वैसे फ्रूट्स की अपनी खुद की मिठास होती है, तो कई बार हमें चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर आपको चीनी की ज़रूरत महसूस होती है तो ऐड कर लीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारा नवरत्न कोरमा बन के तैयार है। चलिए जल्दी से सर्व करते हैं। इस तरीके से नवरत्न कोरमा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बना हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।